हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फिर आ चुका हूँ आपके बीच में एक नया ब्लॉग लेके। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 7:30। तो आज की ब्लॉगिंग हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, और वैसे भी आज सावन का पहला सोमवार है, तो आप सभी को पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आने वाला हूँ आपके बीच में, और आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, अब आ चुका है हमारा नाश्ता, और अब हम नाश्ता करेंगे। क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, नाश्ते की और लंच की और डिनर की। तो आजकल तो मॉर्निंग में जल्दी हो जाएगा क्योंकि क्राउड है नहीं उतना तब। तो उसके बाद मैं चले गया था वॉक पे, क्योंकि दिन में आके सो गया था और फिर चले गया वॉक पे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ वॉक पे, क्योंकि दिन में तो मैं 1 बजे रेस्ट आने के बाद सो गया था, और अभी उठा हुआ हूँ। अभी बजे हुए हैं शाम के 4, तो अभी मैं निकला हूँ वॉक पे, जो चिताई वाली रोड है अल्मोड़ा की, उस रोड में। तो यहाँ का भी व्यू आपको दिखाऊँगा, तो बने रहें ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूं चलते चलते आधे रास्ते पर, और इधर का व्यू देखिए कितना प्यारा है, और बहुत अच्छे घर बनाए हुए हैं। और जस्ट उसी के पीछे, इधर पे आप देख रहे हैं, पीछे से दीवार दिख रही है मेरे, जो ये दीवार है ये कारागार है अल्मोड़ा का, यहाँ कैदियों को रखा जाता है। तो ये देखिए पीछे का व्यू, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और पीछे कारागार में कुछ काम भी चल रहा है शायद। तो इसके बाद मुझे 6 बजे ड्यूटी भी पहुंचना है, और जितना चलना था चल गया। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे फिर वापस अपने रूम पर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से रेडी होकर फिर मुझे ड्यूटी के लिए फिर निकलना पड़ेगा। Thank you.
गाइस आ चुका हूँ ड्यूटी, और ये है हमारे धन सिंह, और पीछे से गौरव। गौरव को तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, जानते हैं, बॉबी डाबा इज द कंपनी। या तो ये है गौरव, जो सोहलवाड़ी का मेन राजा, जितनी जमीनें हैं, जितनी भी बकरियां हैं हमारे, ये चराते हैं उधर पे, बाकी अंबानी के वहां काम। और ये हमारे धन सिंह जी हैं। अगर आप किसी को डोल आश्रम में बाबा जी से मिलना है तो इनसे संपर्क करें, इनकी बहुत अच्छी पकड़ है वहां पे बाबा जी से। और बाबा जी की इनने बहुत सालों तक सेवा भी की है, कहते हैं कि हमने बाबा जी को मट्ठा पिलाई है बहुत टाइम तक, अब पता नहीं। देखिए कितनी खूबसूरती है हमारे लड़कों में। और अभी आज चाचा छुट्टी में है, और ये है हमारे पीछे से रोडवेज प्राइवेट केमू स्टेशन अल्मोड़ा का। और ये धन सिंह जी हैं हमारे ताज ग्रुप से। इससे पहले कहाँ करते थे आप जॉब? मैं ललित में भी काम किया था, ताज में भी काम किया था मुंबई। तो यहाँ आना कैसे हुआ तुम्हारा? देखो प्रॉपर्टी में कोई था नहीं मैनेज करने के लिए, हमने कहा चले जाते हैं। अच्छा, वैसे आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हैं? प्रॉपर लमगड़ा से हैं हम। खेती बाड़ी के बारे में भी कुछ जानते हैं आप तो, खेती बाड़ी के में, खेती बाड़ी का भी बहुत अच्छा नॉलेज है धन सिंह जी को, कुछ बताएंगे। आजकल कौन सी खेती? आजकल आलू की खेती होती है, सेब का होते हैं, फल होते हैं। फल कौन कौन से? फल देखो एप्पल होते हैं, आड़ू होते हैं, मेहल होते हैं, नाशपाती। क्योंकि धन सिंह जी ने इंग्लिश में एप्पल तो कह दिया, मगर आड़ू आड़ू नहीं कह पाए, आड़ू को इंग्लिश में नहीं बता पाए। फोन भी एप्पल ही चलाते हैं बता रहे हैं। और ये गौरव है, गौरव के वहाँ पे तो आज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि इनके यहाँ पे नदी भी आती है। इनका एक बार बताया गया कि गांव इनका पूरा बह गया था, और धन सिंह ने एक गांव बह गया था, एक बुढ़िया एक बुड्ढा रहा था, तब जाके दोबारा गांव सुयाल वाले तो सारा खत्म होने के बाद बाड़ी स्टार्ट की, तब जाके सुयाल बाड़ी बना। ये तो धन सिंह जी को पूरा नॉलेज है पहाड़ों के बारे में, तो ऐसी वीडियो नई बनाते रहेंगे हम लोग मिलकर सारे के सारे भाई लोग। और टाइम पास तो ऐसे ही होता है, क्योंकि ड्यूटी है तो करना पड़ता है ये बहुत सारी चीज़ों को। और अब आ गया है शाम को आरती चलाने का टाइम, तो आरती के साथ आप भी बने रहें। आरती देख सकते हो आप भाई लोगों, तो ये है भाई लोगों की पर्सनालिटी। अभी कोट उतारा हुआ है क्योंकि गर्मी थी, कोट उतार दिया आप लोगों ने। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हल्द्वानी तक, और यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, जैसा कि अब हालांकि आप देखिए यहाँ का व्यू बाहर का, ये है इधर का व्यू। और इस टाइम पे बारिश का मौसम हो रहा है बिल्कुल। ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो ऐसी सपोर्ट बनाए रहें, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।